हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, सब क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? डॉक्टर अजहर बात कर रहा हूँ, दुबई से। पहले भी आपसे बात हुई थी, बहुत पहले, गोजरे से। गोजरे से जी, मेरी जान मेरी जान। डॉक्टर साहब फरमाएं, क्या क्वेश्चन, क्या है, क्या पूछना चाहते हैं? क्वेश्चन ये है कि सर, मैंने गोजरे में ही तकरीबन 500 खजूर लगाई थी जी। तो अभी 5 साल हो गए जी, उस पे अभी तकरीबन सिर्फ 30-40 ने ना, सिर्फ थोड़ा सा वो लगे हैं, उसको क्या नाम है, फ्रूट सा, और ठीक है, फ्रूट थोड़ा बहुत बहुत कम, बाकी किसी ने नहीं अभी शुरू किया। उसमें मेल, हाँ ठीक है, कोई मेल भी है उसमें? नर नर खजूर का, नर के पौधे हैं? हाँ, नर भी लेके आए, नर भी थे, नर भी थे, तकरीबन 15-20 नर थे। 15-20 नर थे, तो बाकी 500 हैं? टोटल 500 है। टोटल 500 काफी बड़ा रकबे पे लगाई है अब लगता है। तो ये सारे सेक्टर्स तीन एकड़ के ऊपर और सारे सेक्टर्स से लाए हैं? नहीं, ये ज्यादा ज्यादा क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर? नहीं, सेक्टर्स होते मेरी जान, आपने वो बच्चा जो नीचे जेर बच्चे होते हैं वो लिए थे? हैं जी, वही ली, वो लिए थे, जेर बच्चे, जेर बच्चे, एक-एक साल के लिए थे। कहाँ से लिए थे? जांग से? ये सखर से। सखर से, अच्छा, सखर से नहीं आप लाए होंगे, खैरपुर से? खैरपुर से, बिल्कुल। हाँ जी, खैरपुर से जी। तो अब उनमें मसला क्या आ रहा है? मसला ये है कि अभी 5 साल हो गए हैं, तो उसमें कोई भी नहीं, वो जो लगे भी थे वो भी चढ़ गए हैं थोड़े से, जो 30-40 पौधों को कुछ फ्रूट थोड़ा सा लगा था वो भी जड़ गया। अच्छा, तो आपने मेरा प्रोग्राम खजूरों पे देखा हुआ है, खजूरों की परवरिश कैसे करती हैं, कैसे, और ए टू जी मैंने दिया हुआ है खजूर की काश्त के बारे में जी। वो अब आज मैंने सारा पार्ट डाउनलोड करके रखा हुआ है। अच्छा, जब मैंने लगाई थी उस टाइम से देखा था। अच्छा, देखने कितनी देर, ठीक है, तो इंशाल्लाह फिक्र ना करें। अब यह है कि आपने उसकी पूरी प्रॉपर मैनेजमेंट करनी बड़ी जरूरी होती है, खास तौर पे जितने भी फ्रूट के प्लांट्स होते हैं उनको दिसंबर में उनको देखा जाता है, उनकी कैनोपी कितना, उसका छतरी बनती है, कितना घेरा है घेरा वो नीचे, फिर उसके अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद या दूसरी पत्तों की खाद वो खूब दी जाती है, वो दे के और उसके बाद पानी दिया जाता है। लेकिन आप को और भी मैं केमिकल फर्टिलाइजर भी दूंगा, क्योंकि 5 साल के हैं तो इनको थोड़ा सप्लीमेंट देना पड़ेगा। ये जब खुराक अच्छी जाएगी इंशाल्लाह ताला, प्रॉपर मैनेजमेंट होगी, तो इंशाल्लाह ताला अगले दफा आप देखेंगे कि बेहतरीन इसका रिजल्ट मिलेगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। और कैसे, दुबई में हैं आप? कितने साल से हैं? अभी मुझे हो गया तकरीबन 15 साल हो गए हैं। तो आप कह रहे थे कि मैं जंग आता रहता हूँ, तो इंशाल्लाह मैं चक्कर आपसे बताना जरूर है, जैसे ही आप जंग आए तो हम खुद आपको ले आएंगे। नहीं मेरी जान, मैं हाजिर हूँ, मैं जब गया तो इंशाल्लाह पता लगेगा, कुछ ना कुछ मैं नेट पे दे दूंगा कि कब आ रहा हूँ। ठीक है, अभी तो रमजानुल मुबारक चल रहा है, तो ये खिदमत कर रहे हूँ, मैंने रात पूरी एक सेकंड के लिए नहीं सोया, जो 2 बजे आखिरी प्रोग्राम मैंने जो डाउनलोड किया वो 2 बजे किया है, और उसके बाद आपको पता है सहरी का टाइम हो जाता है खाना, और उसके बाद मैं फजर की नमाज पढ़ के ऐसा बेहोश हो गया हूँ कि फिर 2-4 घंटे ठीक सो लिया, और उसके बाद मैंने वीट ग्रास पे एक प्रोग्राम अपलोड करना है, वो रिकॉर्ड कर दिया। एक किसी ने पूछा था कि डॉक्टर साहब वीट ग्रास कैसे ग्रो किया जाता है, वो पूरे स्टेप्स, वो स्टेप बाय स्टेप मैंने वो उसको किया है। दुआ करें अभी वो मुकम्मल होगा तो इंशाल्लाह वो भी अपलोड हो जाएगा। तो आपको फिक्र ना करें, आप चैनल तो सब्सक्राइब किया हुआ है ना आपने? हाँ जी, मैंने तो बहुत आपको बहुत देर से हूँ,
माशाल्लाह माशाल्लाह, चलें दुआओं में याद रखें, ठीक है, ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।